आपको पता है कि यहूदियों की किताबों में या ईसाइयों की किताबों में आपसे सलम का नाम था, लेकिन अहमद के नाम से था, मोहम्मदिन के नाम से था। तो वो लोग जो है उन्होंने भी यही हरकत की थी जो आज मुसलमान कर रहे हैं। वो कहते थे कि हमारी जो है किताबों में कहीं भी मोहम्मद नाम नहीं है, लेकिन हमें पता है अहमद और मोहम्मदिन, और बाद में उन्होंने इनकी ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर दिया कि मोहम्मदिन का मतलब है तारीफ किया जाने वाला। तो जो ओरिजिनल, क्योंकि जो ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है, जो ओरिजिनल हिब्रू लैंग्वेज है, वो अभी तक हमें पता नहीं है, सेफ नहीं है, तो उन्होंने उनकी ट्रांसलेशन को खुद से चेंज कर दिया। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ये जो जहरी किताब है, आपसे सलम को कहा, आप कैसे जानते हैं जैसे ये अपने बेटों को जानते हैं, क्योंकि उनकी बुक्स में वादा तौर पर ये मेंशन था, हर चीज़ बता दी गई थी। तो फिर आप मुझे बताएं कि क्यों उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया जिनके पास किताबें थी, जिनके पास निशानियां थी, जो वेट कर रहे थे, जो सब कुछ जानते थे, उन्होंने गुरूर तकब्बुर की बिना पर एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि बनी इस्माइल से नहीं होंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा कि बनी इसराइल से होंगे। लेकिन उन्हें किसने पहचाना था? उन्हें अहले अरब ने पहचाना था, और अहले अरब उस वक्त जो है वो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हर तरह की बुराइयों में पाई जाती थी। वो सहरा में रहने वाले, कोई इलम कोई तालीम उनके पास नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह ने हर किसी को अक्ल दी है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हज़रत इब्राहिम के दौर पर आ जाएं। हज़रत इब्राहिम अकेले कुफर के ख़िलाफ़ खड़े हो गए थे, यानी कि आज के दौर को, हज़रत इब्राहिम के दौर को सामने रखे कि जरूरी नहीं है जहां सारे लोग इकट्ठे हैं वो हक है। अगर अगर आपको हक नजर आ रहा है तो आप हक का साथ दें, ये मैटर करता है। तो हजरत इब्राहिम जो है, अल्लाह ताला ने उन्हें हक दिखाया था, और वो सबकी मुखालफत को बर्दाश्त करे थे, वो एक साइड पे खड़े हो गए थे। तो यही बात है कि जो अहले अरब थे, उन्होंने अपनी अक्ल को इस्तेमाल किया था, तो वो जानते थे कि इस तरह की जो बातें हैं, ये कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह की जो है वही लेकर आए, वो इस तरह के अल्फाज लेकर आए, तो इस तरह के किस्से सुनाए। तो बाकी ये कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं जिसे हिदायत देना चाहूँ, और लेकिन अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि माल का दारमदार नियतों पर है, और अल्लाह ताला कहते हैं जो हिदायत चाहता है मैं उसके लिए रास्ते हिदायत के खोल देता हूँ। तो ये आप पे और मुझ पर डिपेंड करता है, हम क्या चाहते हैं।